चुनावी चोट ने बदला मोदी सरकार का फैसला, वापिस लिए तीनों काले कृषि कानून। सिंघू टीकरी बॉर्डर पर जश्न, कानून वापसी पर झूमे किसान, कहीं अरदास कहीं मिठाइयां तो कहीं नाच गाने का नजारा। अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए बोला, जिन्होंने झूठी माफी मांगी है उन्हें राजनीति से हो जाना चाहिए बाहर। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुलकर आए मोदी के साथ, बोले पंजाब में बीजेपी से सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ूंगा। प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि आंदोलनजीवी किसानों को गुंडे, देशद्रोही और ना जाने क्या क्या कहा। कई सदियों में लगा महाचंद्र ग्रहण मचाएगा भारी उथल पुथल, ज्योतिषियों ने भी की भविष्यवाणी। कृषि कानूनों के समर्थन में रहने वाली कंगना रनौत ने कानूनों की वापसी होने पर भड़की, बोली यह भी एक जिहाद देश है, दुखद, शर्मनाक और सरासर गलत है। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का हुआ बड़ा खुलासा, व्हाट्सएप पर होता था जिस्म का सौदा। पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़वाने वाले किसान आंदोलन के 5 हीरो, कोई डॉक्टर रहा तो कोई फौजी। मुंबई में विलेपल के प्राइम मॉल में लगी भीषण आग, दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। तेज प्रताप ने बिहार में पुलिस की खोली पोल, बोले मैंने थाने में शराब पकड़वाई थी, पुलिस वाले पिज्जा की तरह करवा रहे थे शराब की होम डिलीवरी। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले केजरीवाल, किसानों की कुर्बानी को नहीं भूलेगा देश, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जैसे मनाया जाएगा ये दिन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी यात्री वाहन, 3 महिलाओं की मौत, कई घायल। कंगना रनौत की भीख में मिली आजादी वाले बयान पर जावेद अख्तर ने दी अपनी प्रतिक्रिया, बोले यह बिल्कुल समझने लायक है, वह सारे लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है इस पर क्यों बुरा मानेंगे अगर कोई हमारी आजादी को भीख कहता है। सोनू सूद ने किया पीएम का शुक्रिया, कहा कृषि कानून को लेकर अच्छी खबर सुनाई। क्या रोहित ब्रिगेड को रोक पाएंगे कीवी आज रांची में, सीरीज सील करने का मौका। 37 की उम्र में मिस्टर 360 डिविलियर्स ने लिया क्रिकेट से सभी प्रारूप से संन्यास।